तो गाइज इंडियन नेवी डबल ए एस एस आर के लिए परीक्षा पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है और आप जाके परचेज कर सकते हो। अगर आप अपने चैनल का कोड यूज़ करते हो जो कि ये दिया है इंडियन वी 40, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये केवल पहले 100 यूजर्स के लिए। तो जाओ जल्दी से परचेज करो, लिंक मैं आपको और ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। कैसे हो आप सब? सामान्य ज्ञान के 25 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे और जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है 25 के 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आपके मिनिमम 50+ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और साइंस का जो नई सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसमें फिजिक्स का पार्ट वन दिया था, तो उसका पार्ट सेकेंड अभी कुछ देर में अपलोड होने वाला है। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके प्लीज़ भाई लोग यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब वहां पे कुछ लोग होंगे देखने के लिए तभी तो मैं रेगुलर वीडियोस डाल पाऊंगा ना। अभी कम लोग हैं इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो जल्दी से जाओ सब लोग सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? चार ऑप्शन है, 1828, 1829, 1831, 1835। तो देखो, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन जो अंग्रेजी सरकार थी उसको सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा था। अंततः उन्होंने सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने का कानून पारित किया। इस प्रकार भारत से सती प्रथा का अंत हो गया। तो इसका जो सही जवाब क्या है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया? 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये नहीं, दोनों चैनल सब्सक्राइब करना, दूसरे चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर दो है, हुड़डा जो सम्मेलन है वो कब हुआ था? और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो आपका हुड़डा सम्मेलन है वो कब हुआ था? 1727 ईस्वी में, 1734, 1707 या फिर 1717 ईस्वी में। तो देखो, सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा थे, ठीक है, और जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उसने मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह से मिलकर जुलाई 17 व 16, ठीक है, 1734 को भीड़वाड़ा के पास, हुरडा में, भीड़वाड़ा के पास हुरडा है, वहाँ पे राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलवाया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मराठों का राजस्थान पर आक्रमण करने से रोकना। तो इसका प्रमुख उद्देश्य भी पूछा जाता है कभी कभी। किंतु सवाई जय सिंह ने मराठों से एक गुप्त संधि की परिमाण स्वरूप हुरडा सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ। तो आंसर इसका पता चले गया होगा कि कब हुआ था ये, 1734 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री है, सचिन बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, यहाँ पे 1904, 1905, 1906, 1907। तो देखो, ये झंडा है 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था और यह झंडा सचिन बोस द्वारा डिजाइन किया गया। तो इसका सही जवाब आपको पता चल ही गया होगा, 1906, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है एग्जाम में आपके कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन, तो इसको आपको याद रखना है। चार ऑप्शन है, परम 8000, मीरा और 3 93 2 या फिर टाइटन। तो देखो, इसका जो सही जवाब है वो है आपका, देखो, जो आपका परम 8000 है वो आपका भारत का सुपर कंप्यूटर, ठीक है, भारतीय सुपर कंप्यूटर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है वो है मीरा है, और जो तियान्वे 2 दिया है वो चीन का है, और जो टाइटन है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो ये चारों आपको याद रखना है। और निम्न में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? तो वह है परम 8000, और इनमें से अगर कुछ पूछा जाता है तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, देखो, 132, 136, 140 और 18। अब दिया क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है 42 है और इधर 56 है, 110 है, तो आपको नेक्स्ट आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन मैंने इसका क्लियर लिख रखा है, 14 का गुणा 3 में किया गया 42 हुआ, इसके बाद जस्ट एक और 14 को गुणा 4 में किया गया 56 आ गया। चूंकि 22 × 5 होता है कितना, 110, 22 × 5 = 110, तो 22 × 6 कर देंगे कितना हो जाएगा, 132। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, पता होगा आपको, तो विकल्पों में से विषम शब्द आपको चुनना है। देखो, भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और विज्ञान। तो इसमें से जो विषम शब्द है वो आपका भूगोल है। भूगोल के अतिरिक्त अन्य सभी विज्ञान विषय हैं, जबकि भूगोल एक कला विषय है। तो ये सारे आपके साइंस के विषय हैं और भूगोल आपका एक कला विषय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, सीधा सीधा पूछा नहीं जा रहा है, थोड़ा घुमा के पूछा गया कि ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 16 सितंबर, 24 अक्टूबर या फिर 1 मई? तो इसका देखो सही जवाब है वो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत संरक्षण दिवस अथवा जिसे विश्व ओजोन दिवस भी कहते हैं 16 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन को पनपने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। इतिहास और भूगोल के अध्ययन से यह साफ है कि धरती पर जीवन की जो उत्पत्ति के लिए काफी लंबा समय तय करना पड़ा है। तो देखो जो आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस होता है उसी को विश्व ओजोन दिवस भी कहते हैं। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने अभी तक विश्व ओजोन दिवस पढ़ा होगा लेकिन ये क्वेश्चन शायद ना पढ़ा हो, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, आपको बताना है कहाँ गुजारे? काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में, फिर श्रवण बेलगोला में। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने अंतिम दिन है वो आपके श्रवण बेलगोला में बिताए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। जैन लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला जहाँ मैसूर में है, ठीक है, चले गए। और यहीं इसने काया क्लेश द्वारा शरीर त्याग दिया था। इसे जैन धर्म में संलेखना कहा गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो बम्बई, सूरत, सुतानती या फिर मद्रास? तो देखो 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। कब दी थी? 1613 ईस्वी में। इसके पूर्व 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी अस्थायी कायम की थी। यह गोकुलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो कहाँ पे? सूरत में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। निम्न में से कौन भारत का पहला वॉइस रॉय था? और ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, आप में से लगभग सभी को जवाब पता होगा, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने। इसी के समय में 1857 ईस्वी ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था, ये भी आपको याद रखना, जिसके बाद शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। इन्होंने व्यपगत सिद्धांत या राज विलय नीति को समाप्त कर दिया था। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है, इसके काल में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चार ऑप्शन है, 1950, 51, 52 या फिर 1949। तो देखो योजना आयोग का गठन उपबंधों द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्थिक नियोजन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक संविधानेतर संस्था के रूप में इसको 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। कब किया गया? 15 मार्च 1995 को स्थापित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर गठित यह आयोग एक सशक्त परामर्श दात्री निकाय है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाने की घोषणा की। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ये आपको पहले से पता है, प्रधानमंत्री होता है। तो कब किया था ये? 1950 में। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? सितार के साथ संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। और यहाँ पे चार ऑप्शन है, अमीर खुसरो, रविशंकर, उस्ताद अली अलाउद्दीन खां और विलायत अली खां। तो इसका जो सही जवाब है वो है उस्ताद अलाउद्दीन खां। इस रिलेटेड कुछ चीज़ें आप जान लो तो इन तीनों के बारे में आपको पता चल जाएगा, जो बाकी ऑप्शन है। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे, ठीक है। ये कौन थे? सरोद वादक थे। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट होता है। विद्वानों के अनुसार जो आपके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी हजरत अमीर खुसरो थे, ठीक है, हजरत अमीर खुसरो ने मध्यमादी वीणा तथा ईरानी तंबूरे पर 3 टार चढ़ाकर सितार को जन्म दिया। कैसे? उस समय उसका नाम सहतार रखा गया था, ठीक है। क्या रखा गया? सितार का नाम उस समय सहतार था। फारसी में सह का अर्थ होता है 3। धीरे धीरे सहतार बिगड़ते बिगड़ते सितार हो गया और 3 टार के स्थान पर 7 टार अथवा 8 8 तार लगाए जाने लगे। रविशंकर और विलायत खां भी आपके सितार से संबंधित हैं।
आगे का मिस टाइपिंग है और वो भी आपके सितार से संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन था कि ये कौन इनमें से कौन सितार से संबंधित नहीं, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां ये आपके सितार से संबंधित नहीं है, बाकी अमीर खुसरू, रविशंकर और विलायत अली खां ये तीनों आपके सितार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारतीय मूल के उस लेखक का नाम बताइए जिसके उपन्यास द इनहेरिटेज ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही जवाब है, चार ऑप्शन है और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका किरण देसाई, ऑप्शन नंबर बी। द इनहेरिटेज ऑफ लॉस किरण देसाई का दूसरा उपन्यास है, इनका जो पहला प्रकाशन है वो 2006 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नांकित में से कहाँ स्तूप नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी, और यहाँ पे चार ऑप्शन है, सांची, भरहुत, धमेक और रांची। तो सांची का स्तूप और इसका स्तूप और ये तीनों आपने सुना होगा, लेकिन रांची का स्तूप आपने नहीं सुना होगा। तो निम्न में से कहाँ स्तूप नहीं है, रांची में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है। तो चार यहाँ पे देश और उनकी राजधानियाँ हैं, तो चारों आपको तैयार होनी चाहिए, स्विट्जरलैंड, जेवेना, ऑस्ट्रिया, वियना, डेनमार्क, कोपेनहेगन और फिनलैंड, हेलसिंकी। तो इसका जो सही जवाब है, कौन सा युग्म गलत है, तो पहला जो युग्म है स्विट्जरलैंड जिनेवा, ये आपका गलत है। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी होती है वो क्या होती है, बर्न होती है, जबकि जिनेवा क्या है, जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड का ही एक शहर है जो कि सबसे अधिक आबादी वाला स्विट्जरलैंड का दूसरा शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, MICR का फुल फॉर्म है, तो MICR का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है, उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। देखो 32 41 लिखा है, 62 और 44 लिखा है, 46 28 लिखा है, 33 56 लिखा है। तो इसमें आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा, क्या लिखा है, 3 + 2 कितना होता है 5, 4 + 1 कितना होता है 5। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है 6 + 2 8, 4 + 8 8। ठीक है, 4 + 4 8। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है 4 + 6 10 और 2 + 8 वो भी 10। इसके बाद जो तीसरा है वो लिखा है 3 + 3 6 होता है, लेकिन 6 + 5 11 होता है। तो इनमें से जो भिन्न है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है, 122 क्वेश्चन नंबर है, 122 सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 है और ये मिस टाइपिंग है। ठीक है, इसके बाद ये है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है 64 आपका रेशियो 4 और क्वेश्चन मार्क है इसके बाद 9। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो जिस प्रकार 4 का स्क्वायर 64 है, इस तरीके समझो, दो तरीके से आप समझ सकते हो, इधर से अगर समझोगे तो 4 का स्क्वायर 64 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भरना है तो 4 का क्यूब 64 है, और यहाँ से अगर 9 का करना है तो 9 का क्यूब जितना होगा वो हो जाएगा, या फिर इस तरीके से समझ सकते हो कि 4 का जो घनमूल है वो रखा गया 4, तो 9 किसका घनमूल है ये आपको रखना है। दो तरीके से आप कर सकते हो कैसे भी, या फिर ऐसे समझ लो कि 4 का जो क्यूब है वो 64 है, तो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा वो रख दो, या फिर 64 किसका घनमूल है, 4 का घनमूल है, तो 9 किसका घनमूल होगा, 729 का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशीय शासक हरियर एवं बुक्का, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर यहाँ पे वंश ना लिखे होते हैं तो, अगर इनका नाम लिखा है तो ये भी याद रखना आता है, हरियर एवं बुक्का द्वारा कब करी गई थी, 1336 ईस्वी में करी गई थी। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी और हरियर एवं बुक्का ने की थी, कब की थी, 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, नोबेल पुरस्कार विजेता, अब ये क्वेश्चन का जवाब आपको आना चाहिए क्योंकि एक इससे पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो दी थी और आप में से काफ़ी लोगों ने देखा है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता भारती अमर्त सेन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में विशेष योगदान के लिए अमर्त सेन को वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर आपको बताना है। चार ऑप्शन है, मनीला, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा। तो वो जो विश्व बैंक का मुख्यालय है वो आपका वॉशिंगटन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय वॉशिंगटन यूएसए में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉरी 22 है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई। तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई और किस वर्ष दी गई, तो देखो रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था,
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटवुड की उपाधि वापस भी कर दी थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटवुड की उपाधि कब दी गई थी? 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटवुड की जो उपाधि है वो वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, ठीक है, और 11 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 को हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। अमर्त्य सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? और ये क्वेश्चन ऊपर हमने डिस्कस किया था, जो एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस किया था उसमें इसका जवाब था। तो कब किया था? 1998 ईस्वी में, ठीक है। कब पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को? देखो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में विशेष योगदान के लिए अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? इंटरपोल का आपको फुल फॉर्म पूछा जाए, एक एब्रीवेशन है, तो इंटरपोल का जो तात्पर्य है वो होता है गाइज इंटर नेशनल पुलिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। इंटरपोल आपने सुना होगा, तो इंटरपोल का मतलब इंटरनेशनल पुलिस। तो ये थे आज की इस वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स भी पढ़े और आपको बताया, साथ में आपने भी पढ़े होंगे। तो टोटल 50+ क्वेश्चन तो आपके तैयार हो ही गए होंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यार सेकेंड वाला चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे साइंस पढ़ाने का बहुत मन होता है कि मतलब यार इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अगर दे रहा हूँ तो वहाँ पे अगर 500 600 1000 व्यूज आएंगे तो यार वो वीडियोज़ वेस्ट होंगे यार। इस वजह से मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, लगातार एक डाली थी, मैं सोचा था जल्दी से काफ़ी लोग आ जाएंगे, इसके बाद स्टार्ट कर देंगे, आप लोग जा ही नहीं रहे हो पता नहीं क्यों। तो जल्दी जाओ सेकेंड चैनल सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।